फ्रेंड्स मैं अभिषेक जोशी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस के डिफरेंस के बारे में अभी दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूपीएस सिस्टम होता क्या है इंडस्ट्रीज में यूपीएस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कौन से पर्पज यूपीएस सॉल्व करता है ये सब अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा वहां से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं पर आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस में मेन डिफरेंस क्या होता है तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं देखिए जब भी आप इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो मेनली आपको दो टाइप के यूपीएस देखने को मिलेंगे जिसे ऑनलाइन यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस कहा जाता है तो सबसे पहले आप यूपीएस सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को समझिए देखिए एक मेन एसी सप्लाई होती है यूपीएस सिस्टम में इस एसी सप्लाई को हम सबसे पहले रेक्टिफायर सर्किट में भेजते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है अब ये जो डीसी सप्लाई आपको मिली है इसे आप बैटरी में भेजेंगे ताकि आप बैटरी में डीसी सप्लाई को स्टोर करके रख सके अब ये जो डीसी सप्लाई है इसे आप इन्वर्टर सर्किट में भेजेंगे जो डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट करेगा और फिर इस एसी सप्लाई को आप लोड में फीड कर सकते हैं तो ये एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है यूपीएस सिस्टम का तो अब दोस्तों बात आती है कि फिर ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम हम किसे कहते हैं तो देखिए ऐसा यूपीएस सिस्टम जहां ये पूरा पाथ कवर हो उसको हम लोग ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम कहते हैं यानी कि सबसे पहले आपकी एसी सप्लाई रेक्टिफायर सर्किट में जाएगी रेक्टिफायर एसी को डीसी करेगा ये डीसी सप्लाई आप बैटरी में भेजेंगे बैटरी में आप डीसी सप्लाई को स्टोर कर सकते हैं उसके बाद ये बैटरी से आप इन्वर्टर सर्किट में सप्लाई को भेजेंगे जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद इस एसी सप्लाई को आप लोड में फीड कर देंगे तो नॉर्मल रनिंग कंडीशन में अगर आपकी सप्लाई इस तरीके का पाथ फॉलो कर रही है तो उसको हम लोग ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम कहते हैं अब ये तो गई नॉर्मल रनिंग कंडीशन की बात मान लीजिए जब भी पावर फेलियर होता है इंडस्ट्रीज में जब भी पावर फेलियर होता है तो उस केस में जो एसी मेन सप्लाई है वो तो आप कट ऑफ हो जाएगी क्योंकि पावर ही फेल हो गया है तो ऐसे में आपकी बैटरी से आगे का जो सर्किट है सिर्फ वो एक्टिव रहेगा आपके बैटरी में डीसी सप्लाई तो स्टोर करके रखी हुई है तो आपका इन्वर्टर सर्किट में हम इस डीसी सप्लाई को भेजेंगे इन्वर्टर इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और एसी सप्लाई से आपके लोड को अनइंटरप्टेड पावर फीड करता रहेगा तो इसको हम लोग कहते हैं ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम नॉर्मल रनिंग कंडीशन में पूरा सर्किट लाइन में रहेगा और जब भी पावर फेल्यूअर होगा तो आपके डीसी सप्लाई जो बैटरी में स्टोर है उसको हम लोग यूज करेंगे इन्वर्टर सर्किट में इन्वर्टर उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करेगा और पावर को फीड करेगा अब दोस्तों बात आती है कि फिर ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम क्या होता है ऑनलाइन से ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है तो अब इस ब्लॉक डायग्राम को देखिए देखिए ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम में जो आपका नॉर्मल रनिंग कंडीशन है उसमें जो एसी मेन सप्लाई है वो एक तो आपके बैटरी को सप्लाई फीड करेगा जैसा हमने नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम में देखा है ये हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि हम बैटरी को कंटिन्यूसली चार्ज कर पाए पर ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम में डिफरेंस ये है कि जो मेन एसी सप्लाई है उसे हम डायरेक्टली लोड में फीड कर देंगे ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम में आपकी जो सप्लाई है ये पूरा पाथ ट्रेवल कर रही थी इलेक्ट्रीफायर में जा रहा था बैटरी में जा रहा था फिर इन्वर्टर में सप्लाई जा रहा था और उसके बाद लोड को फीड हो रहा था ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम में आपकी जो मेन एसी सप्लाई है वो रेक्टिफायर सर्किट से होते हुए बैटरी में जाएगी लेकिन बैटरी से इन्वर्टर होते हुए अब वो लोड को फीड नहीं करेगी जो मेन एसी सप्लाई है वो डायरेक्टली हम लोड को फीड करवा देंगे जब भी पावर फेल्यूअर होगा जब भी पावर में कोई इंटरप्शन आएगा उस केस में ही आपकी बैटरी से इन्वर्टर सप्लाई ड्रॉ करेगा डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और लोड को फीड करेगा ये होता होता है है, और और में। में देखिए जो उसमें भी supply हम पहले को को देते हैं और बैटरी से inverter के होते हुए फीड करते हैं पर ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम में हम सप्लाई डायरेक्ट लोड को फीड करते हैं और एक सप्लाई से हम लोग बैटरी को चार्ज करते रहते हैं इन्वर्टर का रोल तभी आएगा जब आपके सप्लाई का फेलियर होगा ऑनलाइन यूपीए सिस्टम में ऐसा नहीं है ऑनलाइन यूपीए सिस्टम में आपका इन्वर्टर सर्किट हमेशा एक्टिव रहता है पर ऑफलाइन यूपीए सिस्टम में आपके इन्वर्टर सर्किट का यूज सिर्फ तभी आता है जब मेन सप्लाई का फेलियर होता है इसलिए दोस्तों जो ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम होता है इसमें चेंज ओवर की कोई कंडीशन नहीं होती यानी कि जब आपका मेन सप्लाई फेलियर होगा तो विदाउट एनी इंटरप्शन विदाउट एनी डिले आपकी जो सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड कंटिन्यूसली बनी रहेगी क्योंकि इन्वर्टर का यूज़ तो आप थ्रू आउट दी ऑपरेशन कर ही रहे हैं चाहे मेन सप्लाई अवेलेबल है या मेन सप्लाई अवेलेबल नहीं है पर जब आप ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम की बात करते हैं तो ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम में इन्वर्टर सर्किट नॉर्मल रनिंग कंडीशन में लाइन में नहीं रहता जब आपका पावर फेल होगा तभी बैटरी से इन्वर्टर पावर ड्रॉ करेगा और लोड को फीड करेगा तो ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम में जो चेंज ओवर की कंडीशन होती है उसमें 60 मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है पर जो ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम है वो विदाउट एनी टाइम डिले आपके सर्किट को कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड सप्लाई फीड करता रहता है तो दोस्तों अब बात आती है कि ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम ज़्यादा बेटर है कि ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम ज़्यादा बेटर है तो देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपका एप्लीकेशन क्या है अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में जो आई होते हैं जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उन केस में आपको ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम ही लगाना चाहिए क्योंकि जब भी पावर फेल्यर होगा तो हम ये नहीं चाहते कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बीच में इंटरप्ट हो या आईसीयू की सप्लाई बीच में इंटरप्ट हो तो इसलिए हम ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम ही ऐसे क्रिटिकल एरिया में यूज़ करना प्रिफर करते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि 60 मिली सेकेंड्स या वन सेकेंड का टाइम डिले आप बियर कर सकते हैं कि एक सेकेंड के लिए लाइट जाए और उसके बाद यूपीएस का सप्लाई आ जाए तो आप ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम कॉस्ट वाइज बहुत कम होता है एज़ कंपेयर टू ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम तो दोस्तों ये समझना थोड़ा सा आई थिंक ट्रिकी रहा होगा आज की ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम और ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम में डिफरेंस क्या है पर अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुड बाय